हेलो दोस्तों, मान लो अगर आपके प्लांट का कंट्रोल सिस्टम मतलब PLC या DCS का फील्ड इंस्ट्रूमेंट से कम्युनिकेशन अगर ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा? ऑफ कोर्स प्लांट बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपके प्लांट में फाउंडेशन फील्ड पर इंस्टॉल है तो अगर फील्ड वाइज का होस्ट वाइज से अगर कम्युनिकेशन ब्रेक भी हो जाए तो साइट पर ट्रांसमीटर और कंट्रोल वाल्व्स काम कर रहे होते हैं और आपके सारे PID लूप वैसे ही काम करते हैं जैसे पहले कर रहे थे। बस यही फाउंडेशन फील्ड बस की ब्यूटी है। दोस्तों, हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की सीरीज़ के लास्ट वीडियो में प्रोफिबस यानी प्रोसेस फील्ड बस में डिस्कस किया था। आज हम फाउंडेशन फील्ड बस और इसकी एप्लीकेशन और यह प्रोफिबस से कैसे डिफरेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन दोनों फील्ड बस में एक कंपैरिजन समझने के लिए प्रोफिबस की वीडियो को हमारे चैनल पर देखना ना भूलें। इस फाउंडेशन फील्ड बस को फैक्ट्री ऑटोमेशन के बजाय प्रोसेस ऑटोमेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। इस प्रोसेस ऑटोमेशन में बहुत सारे PID लूप्स और इंटरलॉक होते हैं, आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं, जो 40-20 मिलियम्स IO को यूज़ करते हैं, जैसा कि पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र और किसी भी बड़े प्लांट में होता है, केमिकल प्लांट में होता है, जहाँ पे बहुत सारे PIDs होंगे और आपस में इंटरलॉक्ड होंगे, जहाँ कंटिन्यूस कंट्रोल ज़्यादा डोमिनेंट करता है और इस बस को ज़्यादातर DCS के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। जबकि प्रोफिबस PA को डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग ऑटोमेशन में ही यूज़ किया जाता है, जहाँ बहुत सारे डिजिटल IOs इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर पे ये डिजिटल जो आपके IOs हैं, ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन, सीमेंट प्लांट या बहुत सारे जहाँ ड्राइव्स होते हैं वहाँ शामिल होते हैं, और जहाँ स्विचिंग एक्शन लेना होता है प्रोफिबस का उपयोग ज़्यादातर PLC के साथ ही किया जाता है। और अगर DCS के साथ करना हो तो ड्राइव ऑटोमेशन के लिए आप पार्शल प्रोफिबस पे जा सकते हैं और पार्शल फाउंडेशन फील्ड बस पे। फाउंडेशन फील्ड बस एक ऑल डिजिटल सीरियल टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है जो प्रोसेस प्लांट में फील्ड लेवल नेटवर्क का काम करती है, मतलब सारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे माउंट किए जा सकते हैं। अगेन, ये दो टाइप के होती है। पहले फाउंडेशन फील्ड बस H1 है, इसकी स्पीड फिक्स्ड है 31.25 kbps, जैसे कि प्रोफिबस में भी होता है, और इस पर सारे ट्रांसमीटर एक्चुएटर्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, जैसे कि प्रोफिबस में भी पॉसिबल है। एनालॉग कंट्रोल सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट एक 40-20 mA का आउटपुट जनरेट करता है, जो कि रिमोट फील्ड से कंट्रोल रूम तक मार्शलिंग रेक और JBs और रिमोट IOs के थ्रू जाता है। इसी तरह 4-20 का कंट्रोल सिग्नल भी कंट्रोल रूम से सिस्टम से वॉल एक्चुएटर्स, VFD पंप्स या कंट्रोल सिस्टम तक आता है। ये सब करने के लिए यहाँ हज़ारों केबल्स को कंट्रोल रूम तक लाना पड़ता था। इस फील्ड बस को यूज़ करने से कॉस्ट तो कम होती है, साथ ही इरेक्शन कमीशनिंग का टाइम भी बच जाता है और फाइल फाइंडिंग भी ईजी हो गई है। अलग अलग केबल डालने की बजाय सारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट को एक ही केबल पर डाला जा सकता है, जिसे ट्रंक या फिर सेगमेंट कहा जाता है। फाउंडेशन फील्ड बस या प्रोफिबस का ट्रंक या सेगमेंट एक ट्विस्टेड पेयर की एक केबल होती है, जो डिजिटल सिग्नल और DC पावर को दोनों को साथ ले जाती है, और मैक्सिमम 32 फील्ड बस डिवाइसेज जैसे ट्रांसमीटर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, ये सब माउंट किए जा सकते हैं। फील्ड सेगमेंट एक इंटरफेस डिवाइस से शुरू होता है, जिसे H1 कार्ड कहा जाता है। इसको आप प्रोफिबस DB कपलर से भी कंपेयर कर सकते हैं। फाउंडेशन फील्ड बस और प्रोफिबस में सिग्नल वायरिंग और पावर की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम रहती है। 9 वोल्ट मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए और 32 वोल्ट मैक्सिमम आपका बस वोल्टेज। केबल लेंथ आप 1900 मीटर तक जा सकते हैं। फील्ड बस सेगमेंट में कितने डिवाइस फिट हो सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते समय आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो फील्ड जो है आपकी मैक्सिमम करंट रिक्वायरमेंट कितनी है किसी भी ट्रंक की, और सेगमेंट की लेंथ मतलब वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, 20 mA पर 16 इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए आपको 320 mA चाहिए, इसलिए 24 वोल्ट पावर कंडीशनर के साथ अगर 18 गेज की केबल को, जिसका रेजिस्टेंस 50 Ω/km है, को अगर लास्ट डिवाइस तक 9 वोल्ट देने हैं तो आपकी केबल लेंथ 100 मीटर तक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1000 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सारे फाउंडेशन फील्ड डिवाइसेस को केबल पर सेगमेंट में पैरेलल में और स्पर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, और फील्ड बस सेगमेंट को कम्युनिकेशन को ऑफ रखने के लिए दोनों एंड पे एक टर्मिनेटर लगाया जाता है, नहीं तो सिग्नल रिफ्लेक्शन से कम्युनिकेशन एरर जनरेट होती रहती है। जनरली इसके लिए डिप स्विच वाले टर्मिनेटर को यूज़ किया जाता है। डिप स्विच को ऑन ऑफ करने से एक रेजिस्टेंस केबल में ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। फाउंडेशन फील्ड बस में ऑटोमेटिक सेगमेंट टर्मिनेशन का भी फीचर होता है, जिससे ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी डिवाइस पे टर्मिनेटर ऑन है, जिससे कमिशनिंग बहुत ईजी हो जाती है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि यह सिस्टम की लास्ट डिवाइस है या नहीं, और टर्मिनेटर को एक्टिवेट कर देता है उस हिसाब से। और अगर डिवाइस कपलर एक्सीडेंटली या मेंटेनेंस पर्पज से कोई डिस्कनेक्ट कर देता है तो ऑटोमेटिक सेगमेंट टर्मिनेशन सिस्टम इसको डिटेक्ट कर लेता है और यह नेक्स्ट या उससे पहले वाले डिवाइस का टर्मिनेटर अपने आप ऑन कर देता है। इस फीचर से बिना सिस्टम को डाउन किए हम कभी भी काम कर सकते हैं फील्ड में।
ये बहुत ही अच्छी चीज है। फाउंडेशन फील्ड बस H1 और प्रोफी बस में जनरली डिफरेंस हम देखते हैं क्या क्या है। फील्ड वायरिंग के एंगल से फाउंडेशन फील्ड बस और प्रोफी बस ऑलमोस्ट सेम है। ये एक ट्विस्टेड पेयर और डिवाइस कपलर का यूज करते हैं और दोनों सेगमेंट को एंटरमेंट किया जाता है। दोनों बस सेगमेंट में 32 डिवाइस ही माउंट किए जा सकते हैं और दोनों की स्पीड फिक्स होती है 31.25 किलोबिट्स पर सेकंड होती है। इन दोनों में से डिफरेंस ये है बेसिकली प्रोफिबस एक पोलिंग सिस्टम है, मतलब जब तक मास्टर डिवाइस फील्ड डिवाइस से पूछे ना तब तक कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, जबकि फाउंडेशन प्रोफिबस में साइक्लिक कम्युनिकेशन है। इसमें कम्युनिकेशन को डिवाइस में शेड्यूल किया जाता है कि कम्युनिकेशन कब करना है, कि आपको इन्फॉर्मेशन कब भेजनी है। फाउंडेशन फील्ड डिवाइस लिंक शेड्यूलर में एक टाइम टेबल होता है जिसके हिसाब से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इस टाइम शेड्यूल को आप कॉन्फ़िगरेशन के टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रोफिबस डिवाइस को एड्रेस एलोकेशन के लिए मास्टर से प्रोग्राम कराना पड़ता है, जबकि फाउंडेशन फील्ड बस में डिवाइस अपने आप एड्रेस मास्टर को खुद डिक्लेयर करती है कि मेरा एड्रेस ये है। ये ऑटोमेशन है बढ़िया। प्रोफिबस पीए स्लेव डिवाइस अपनी इन्फॉर्मेशन पहले मास्टर को देता है, फिर मास्टर कंट्रोल एक्शन के लिए स्लेव डिवाइस को देता है जिससे कंट्रोल होता है, जबकि फाउंडेशन फील्ड डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और ये मास्टर को बाईपास कर सकते हैं, इसलिए इसमें पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। मतलब अगर आप डीसीएस कंट्रोलर को हटा दो तो फील्ड डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर दे, कंट्रोल एक्शन ले लेंगे। फाउंडेशन फील्ड डिवाइस में इनबिल्ट फंक्शन ब्लॉक होता है जो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं और साइट पर ही इंडिविजुअली कंट्रोल करते हैं, और ये कंट्रोल तब तक चलता रहता है जब तक फील्ड डिवाइस का मास्टर से कम्युनिकेशन भले ही ब्रेक हो जाए, भले तब भी चलता रहता है। प्रोफिबस में इनबिल्ट फंक्शन ब्लॉक्स नहीं होते। प्रोफिबस डिवाइस मास्टर को रिपोर्ट करती है और उससे ही इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन लेती है, ये खुद में कुछ नहीं करती, ये बेसिकली पैसिव होती है। इट एक्स लाइक ए ट्रू स्लेव। अगर इन पीए डिवाइसेस का मास्टर से कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो ये अपनी लास्ट स्टेट वैल्यू में ही रहती है और इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखती है जब तक कि इनको कोई और डायरेक्शन न दी जाए। फाउंडेशन फील्डबस में एक डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम क्लॉक होती है जो कंट्रोल वेरिएबल जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो को फील्ड में ही टाइम स्टैम्प लगा देती है कि इस प्रेशर या फ्लो का सैम्पलिंग टाइम ये है। पर पीए डिवाइसेस में टाइम स्टैम्पिंग का फीचर नहीं होता, इसमें कंट्रोल वेरिएबल की जो टाइम स्टैम्पिंग है पीएलसी या मास्टर की मेमोरी में ही होती है। फील्ड बस और पीए डिवाइसेस एक तरह से डिफर करती है और दोनों मास्टर से कम्युनिकेट करती हैं। फील्ड डिवाइसेस H1 कार्ड को HSE नेटवर्क के थ्रू मास्टर से कनेक्ट किया जाता है, जबकि पीए डिवाइस को प्रोफिबस डीपी कपलर जो कि एक पीए आपका RS-485 नेटवर्क है के थ्रू मास्टर से कम्युनिकेट कराया जाता है, या प्रोफिमेट से जो आजकल एक नया फीचर है प्रोफिमेट जो कि इथरनेट बेस्ड नेटवर्क है उससे भी कम्युनिकेट करा सकते हैं। दूसरे जो फील्ड फाउंडेशन फील्ड बस होती है वो होती है हाई स्पीड इथरनेट। इसकी स्पीड 100,000 मेगाबिट्स तक हो सकती है और जनरली ये इनपुट आउटपुट सब सिस्टम होस्ट सिस्टम डिवाइस या गेटवे को कनेक्ट करने के लिए ही यूज करते हैं। ये बेसिकली प्रोफिमेट की तरह ही होती है और कमर्शियल इथरनेट TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। फाउंडेशन HSE फील्ड बस DCS की तरह रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है, साथ में रिडंडेंट नेटवर्क भी यूज करते हैं जैसे कि कमर्शियल ईथर नेटवर्क में यूज करते हैं जिससे सिस्टम स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। यह एक IP बेस्ड बेसिकली नेटवर्क है जिसके कारण इसको मार्केट में अवेलेबल स्टैंडर्ड टूल्स जैसे नेटवर्क स्विच या हब या फायरवॉल के साथ यूज किया जा सकता है। इस बस में हब एंड स्पोक ट्री टोपोलॉजी होने के कारण डिवाइस जो ऑनलाइन निकालना या लगाना बहुत ईजी हो गया है, और क्योंकि ये कमर्शियल इथरनेट पर बेस्ड है तो इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड टूल्स यूज कर सकते हैं और प्रोफिबस ट्रबल शूटिंग भी बहुत इजी है इसमें। तो दोस्तों फाउंडेशन फील्डबस पे हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अगर कोई क्यूरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट दे सकते हैं, हम आपको जो भी क्यूरी होगी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।